जिस तेजी से उमरान मलिक की आंधी चली थी, यह आंधी उसी रफ्तार से ठंडी भी होती नजर आ रही है। सभी लोग कह रहे थे कि इस कश्मीरी लड़के में कुछ तो खास है। चारों तरफ बस उमरान मलिक ही गूंज रहा था, लेकिन कोच राहुल द्रविड़ वाली टीम इंडिया ने उमरान मलिक को कुछ ही मौकों में टेस्ट करके उसे निठल्ला घोषित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उमरान मलिक को इंग्लैंड के एक ही मैच में मौका मिला, जिसके बाद टीम इंडिया के सिलेक्टर्स ने तो उमरान मलिक से ऐसी कन्नी काटी कि उमरान का मोबाइल नंबर ही डिलीट कर दिया। वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज में भी उमरान मलिक को मौका नहीं दिया गया। सोशल मीडिया में काफी मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, जहां पर कुछ लोग उमरान मलिक को पत्थर फेंकने वाला तो कुछ लोग सपोर्ट करते भी नजर आ जाते हैं। खैर, अभी हाल ही में इन सब बातों से हटकर एक बात और सुनने में आ रही है कि उमरान मलिक के अंदर का ऑलराउंडर जाग चुका है। उमरान मलिक ने डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हुए शानदार 54 रन ठोक डाले, वो भी मात्र 24 गेंदों में, और उमरान मलिक के बल्ले के साथ तस्वीरें वायरल भी हो रही है। दरअसल ये उस बात का मेम से जिसमें उमरान मलिक ने इंग्लैंड के खिलाफ 54 रन खाए थे मात्र 24 गेंदों में, और लोग इसे उमरान मलिक की 50 बताकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। खैर, जो भी हो, आपको क्या लगता है, क्या अब उमरान मलिक कभी टीम इंडिया में वापसी कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।